गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग, एग्जांपल नंबर 38। इफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन शो दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट विल टेक, ये दिया हुआ है टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। Then we will use Bilget formula for the first two terms. First, what is tan inverse of x plus tan inverse of y? Very good, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Do tan inverse ka kitna tan inverse hoga? Ek akela. Aur x ye plus hai to plus upar, x plus y upar hai to 1 minus xy. नीचे में, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई? टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज प्लस टैन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। नाउ अगेन देयर आर टू टैन इनवर्स। नाउ वी कंसीडर दिस एज एक्स एंड दिस एज वाई। अगेन वी विल अप्लाई टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई। तो दो टैन इनवर्स का एक टैन इनवर्स हुआ, देन ये आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट एक्स कौन है, एक्स कौन है इस केस में? एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। वाई कौन है? जेड है। तो ये आएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी ये फॉर्मूला हर एक को जो गया, अब यहां पे आप ध्यान दोगे एक्स्ट्रा स्टेप। अब इसके बाद क्या किया, यहां भी एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई आने वाला है, यहां भी 1 माइनस एक्स वाई आने वाला है। तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, करेक्ट है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई, यहां आएगा 1 माइनस एक्स वाई, आई रिपीट 1 माइनस एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर? अभी ये टैन इनवर्स को उधर लेके जाओ, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाय 2। हाउ मच इज टैन ऑफ पाई बाय 2? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा, करेक्ट है? डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां के डिनोमिनेटर की स्टेप जीरो होगी, तभी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसका मतलब 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, जस्ट यूर लॉजिकल ब्रेन। राइट साइड में टैन पाई बाय 2 है, टैन पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स यहां का डिनोमिनेटर has to become zero. So if I equate it to zero, I get this step. अब ये सारे माइनस को राइट साइड में लिखो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा, एंड हेंस प्रूव दैट्स सॉल्व। एक फॉर्मूला, बिलगेट फॉर्मूला वी कॉल इट, अप्लाई करो प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आई गॉट फिट फॉर सीईटी और जेईई। tan of 1 by 2 in bracket sin inverse of 2x upon 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus y square upon 1 plus y square, where mod x less than 1, yani minus 1 less than x less than 1, and y greater than 0 such that xy less than 1. xy less than 1 है तो pi की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब फॉर्मूले देखो, टैन के बाद टैन इनवर्स आना चाहिए, तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे? वी नो दैट 2 टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. I repeat, 2 times tan inverse of x is equal to, note it down, sabhi log formula note karo ye, 2 tan inverse of x is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. पहले देख के डर लगता है कि क्या है और क्या नहीं है, बट कुछ नहीं, ये 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x और ये है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया फॉर्मूला. देयरफॉर tan ऑफ 1 बाय 2 इन ब्रैकेट sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan ऑफ 1 बाय 2 इन ब्रैकेट. अब इसके जगह आई शुड राइट ओनली 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, ओनली 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, और इसके जगह आई शुड राइट ओनली 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y. वेरी गुड, तो ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x और ये हो गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y. ये 2 कॉमन निकालो तो 2 और 1 बाय 2 कैंसिल होता है और फिर बचता है tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. That is tan of tan inverse of, again we'll get formula, दो tan inverse का एक tan inverse करो, tan of tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and the answer is x plus y upon 1 minus xy is the answer. Now we have become experts in solving the examples of inverse trigonometry function, but solving a triangle थोड़ा सा tricky रहता था, dangerous भी रहता. तो अभी उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, मिसलेनियस 3 एग्जाम्पल नंबर 6 विद द यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अपने को पता है सी टी और जे डबल में तो अपन लिखते भी नहीं साइन रूल वगैरह, राइट साइड लेंगे ए स्क्वायर को लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर डायरेक्ट, क्योंकि साइन रूल अपने को बाय हार्ट लर्न है. अब स्टेट बोर्ड में कैसे छुड़ाना, बाय द साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, देयरफॉर स्मॉल ए इज इक्वल टू के साइन ए, स्मॉल बी इज इक्वल टू के साइन बी, स्मॉल सी इज इक्वल टू के साइन सी. सो आरएचएस बिकम्स, आरएचएस कैसा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. हाउ टू राइट ए स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर. हाउ टू राइट बी स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी. हाउ टू राइट सी स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी. के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर आपस में कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर सी, कितना बच गया. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी स्टेप अपने को स्ट्राइक होने वाली है, नो प्रॉब्लम. आई रिपीट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बिकम्स साइन ए प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस साइन बी अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट है भी सी कैसा लिखेगी. ये ट्राइंगल है तो ऑल द एंगल्स की सम कितनी आती है, 180 डिग्री. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाए, तो सी इज इक्वल टू पाए माइनस ए प्लस बी. तो यहां उन्होंने लिखा साइन स्क्वायर सी यानी साइन सी का होल स्क्वायर, और सी को लिखा साइन ऑफ पाए माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर. एनी डाउट. नाउ ये है साइन ए प्लस साइन डी यानी साइन सी प्लस साइन डी, ये साइन सी माइनस साइन डी. बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर चंडीगढ़, पहले कौन आया था, सलमान, बाद में चरबाज, डे वन खत्म. सेकंड डे पहले चरबाज बाद में सलमान, डे थ्री चरबाज चरबाज, डे फोर चरबाज सलमान सलमान. आई रिपीट, सलमान चरबाज चरबाज सलमान चरबाज चरबाज सलमान सलमान, डे वन टू थ्री फोर. ये साइन ए प्लस साइन बी कौन सा डे है, वेरी गुड, इज डे वन. पहले कौन आया, सलमान यानी साइन, बाद में कौन आया, चरबाज यानी कॉस. सिंपल, पहले सलमान बाद में चरबाज. पहली ब्रैकेट में ना ए प्लस बी अपॉन टू रहेगा, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन टू रहेगा. तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ लिख के देता हूँ आपको. पहला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू पहले सलमान टू साइन
c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Day 1 khatam. Then I go for day 2, sin c minus sin d is equal to 2 cos पहले चरबाज ब्रैकेट में c plus d by 2 plus वाली ब्रैकेट पहले माइनस वाली ब्रैकेट बाद में एनी टाइम पहले चरबाज बाद में सलमान तो हो गया सलमान चरबाज चरबाज सलमान इसीलिए साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा टू साइन सलमान पहले ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू ये ब्रैकेट खत्म हो गई साइन ए प्लस साइन बी अब ये है साइन ए माइनस साइन बी कौन सा डे डे यह साइन ए माइनस साइन बी यानी डे टू में पहले कौन आया था चरबाज बाद में कौन आया सलमान तो क्या होगा टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू करेक्ट है पहले चरबाज बाद में सलमान पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन टू दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन टू और नीचे में व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ही साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी क्लियर अब वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ट्रायंगल यानी ए प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू पाई तो ये हो जाएगा अभी टू साइन ए प्लस बी बाय टू इसमें मैं किसको जोड़ू यहां मेरे को कॉस दिखता है कि यस टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाय टू इनको एक ब्रैकेट में डाला ये और ये पास में लाया एक ब्रैकेट में डाला फिर दूसरा देखा मैंने वहां भी मुझे डबल दिख गया ये टू लिया यहां से साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू लिया और यहां से कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन टू लिया इनको प्लस पास में लाया ये एक ब्रैकेट बन गई अभी है टू साइन ए कॉस ए सेम एंगल है ना ए प्लस बी अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए यानी साइन ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन टू 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 कैंसल बचा कौन साइन ऑफ ए प्लस बी बचा कौन साइन ऑफ ए प्लस बी यहां पे देखो 2 साइन ए कॉस ए अगेन साइन 2 ए साइन ऑफ 2 इंटू इसको समझाता हूं साइन ऑफ 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन टू 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 कैंसल बचा कौन साइन ऑफ ए माइनस बी तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया और नीचे में आया साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी अभी ये स्क्वायर और ये आपस में कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए प्लस बी कैंसिल हुआ तो क्या बचा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी इतना बचा अब आपको सीईटी में याद रखना है तो और एक ट्रिक बताता हूं इसके बाद आप डायरेक्टली इसके लिख सकते हो थोड़ा शॉकिंग है लेकिन कैसा आया तो अभी देख लिया अपन ने बट डायरेक्ट एक स्टेप याद रखो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है ना तो इसको डायरेक्टली कर ले साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर सी टी एंड जे डब्ल्यू आई रिपीट साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बट हाउ इट कम्स लाइक दिस याद रहा तो ठीक है ये तो गो बैक टू बेसिक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेक्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सलमान चरबाज चरबाज सलमान प्रॉब्लम सॉल्व ओके सो डेंजरस एग्जांपल है और स्ट्राइक क्या नहीं होता आपको सी को क्या लिखना है अपनों पाई माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी लिखना इतना याद रखना राइट फिर एग्जांपल एट इन ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस सी दे शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया है cos a इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस सी ये जोड़ी कुछ जम नहीं रही cos a इज इक्वल टू साइन बी माइनस कॉस सी कोई जम नहीं रही ये ऐसा हो गया कि सचिन तेंदुलकर के साथ आशीष नेहरा को ओपनिंग बैटिंग के लिए भेज रहे हैं मजा नहीं आया सचिन के साथ कौन चाहिए सहवाग चाहिए अपने को करेक्ट है वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की पेयर परफेक्ट जमती है तो ये बात ध्यान रखते हुए हमने क्या किया कॉस ए के साथ कॉस सी जोड़ा करेक्ट है ये किसकी पेयर थी सचिन तेंदुलकर एंड आशीष नेहरा एक बहुत क्लासिक बैट्समैन और एक बॉलर अच्छा बॉलर वेरी गुड बॉलर बट नॉट अ गुड बैट्समैन
फिर हमने क्या किया, दोनों को पास में, इनको पास मिला है, सचिन एंड सहवाग पास मिला है, तो ये क्या कॉस ए प्लस कॉस सी इज इक्वल टू साइन बी। अब पेयरिंग ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस सी यानी इट इज एज गुड एज कॉस सी प्लस कॉस डी। डे थ्री, दोनों चरबाज इसीलिए टू कॉस ए प्लस सी अपॉन टू इन टू कॉस ए माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन बी, करेक्ट है। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है और अपने को चाहिए a प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, देयरफॉर a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी, बी को इधर लेके गए, अब दोनों को डिवाइड किया, a प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू पाई माइनस बी अपॉन टू एंड दिस इज नथिंग बट पाई बाय टू माइनस बी बाय टू। तो आज के बाद a प्लस सी अपॉन टू है तो डायरेक्टली यू कैन राइट कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस बी बाय टू, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, माइनस निकम्मा रहता उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके सो ये हो गया दोनों चरबाज चरबाज, इसलिए टू कॉस पहली प्लस की ब्रैकेट a प्लस सी अपॉन टू इन टू कॉस ए माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन बी, ए प्लस सी बाय टू काम का था इसको लिखा पा बाय टू माइनस बी बाय टू, अब व्हाट इज कॉस ऑफ पा बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या होगा टू साइन ऑफ बी बाय टू इन टू कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन टू, और जैसे यहाँ मेरे को साइन ऑफ बी बाय टू दिख गया ये साइन बी को फॉर्मूला अप्लाई किया, व्हाट इज साइन बी हाफ एंगल किया उसका टू साइन बी प्लस बी बाय टू इन टू कॉस बी बाय टू, व्हाट इज साइन बी टू साइन बी बाय टू इन टू कॉस बी बाय टू, अब ये साइन बी बाय टू और ये कॉस साइन बी बाय टू आपस में कैंसिल हो गए, टू भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन कॉस ऑफ ए माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी अपॉन टू, कॉस कॉस कैंसिल हो गए तो बचा कौन ए माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी बाय टू, सो ए माइनस सी इज इक्वल टू बी एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया मेरे को, a इज इक्वल टू बी प्लस सी। नाउ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 बट b प्लस सी कौन है a, सो a प्लस a इज इक्वल टू 180 ट्वाइस a इज इक्वल टू 180 a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a 90 डिग्री है देयरफॉर द ट्रायंगल abc इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 अनदर वेरी डेंजरस एग्जांपल 11th का 7th, prove that of course in triangle ABC prove that b minus c upon a is equal to tan b by 2 minus tan c by 2 upon tan b by 2 plus tan c by 2. Now in trigonometry we can solve one problem by 2-3 methods, so I will tell you both the methods. अपने को ये पता है small b दिख गया तो उसको k लगा दो और वो k sin a होता है, correct है, तो आपको बताता हूँ मैं, अपने अगर लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखा होगा स्टोरी से लिंक करो तो उसका खुराना इंडस्ट्री क्या होता है डूबते रहता है, तो उनका जो पंडित जो रहता वो उनको क्या होता था खुराना का क्या करो, याद है आपको, याद है क्या खुराना इंडस्ट्री का और एक के लगाओ होता खुराना इंडस्ट्री और एक के लगाते बड़ा हो जाता हो बहुत बड़ा आदमी बनता उसकी इंडस्ट्री फ्लरिश होती है। वो स्टोरी से अपन क्या लिंक करेंगे इस प्रॉब्लम को, जब भी स्मॉल बी रहेगा या स्मॉल ए रहेगा उसको और एक के लगा दो तो बहुत बड़ा बन जाएगा यानी साइन ऑफ कैपिटल ए हो जाएगा, अभी ये स्मॉल है के लगाते ही क्या होगा स्मॉल ए का कैपिटल ए हो जाएगा के साइन ए, स्मॉल बी के साइन बी स्मॉल सी के साइन सी, तो स्टोरी से लिंक रखोगे तो 10 साल के बाद भी याद रहेगा बट 12th में तो याद रहता अपने को ये कौन सा रूल है साइन रूल, और इस साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, देयरफॉर ए इज इक्वल टू के साइन ए बी इज इक्वल टू के साइन बी सी इज इक्वल टू के साइन सी, ये हो गए स्टेट बोर्ड की स्टेप बाय स्टेप मेथड। इन सी टी एंड जे डबल डायरेक्टली एल एच एस लेने का स्मॉल बी है उसको क्या लगाने से बड़ा होगा वो के लगा दो तो के साइन ऑफ ये देखो स्मॉल बी का क्या हो गया बड़ा आदमी बन के कैपिटल बी बन गया के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन ए, के कॉमन निकाल के कैंसिल किया साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, नाउ साइन ए हैज टू बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल
and therefore a plus b plus c is equal to pi. So a is equal to pi minus in bracket b plus c. ये स्ट्राइक होना चाहिए. और स्ट्राइक क्यों होगा? आपको ऊपर में साइन भी साइन सी दिख गए तो अपने को पता चल जाता कि ए को ए रखने का नहीं है. मनस्वी करेक्ट है. तो ए ला का लिया था ए इज इक्वल टू पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी. ए की जगह लिखेंगे पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी. अभी ये हो गया साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा. व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? साइन थीटा. 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. ऊपर साइन बी माइनस साइन सी वैसी रहेगा, नीचे आएगा साइन ऑफ बी प्लस सी, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. इसको थीटा पकड़ा आपने तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ बी प्लस सी. अब साइन बी माइनस साइन सी यानी डे टू पहले कौन आया? चरबाज खान. बाद में कौन आया? सलमान खान. पहले चरबाज खान, बाद में सलमान खान. डे टू चरबाज यानी कॉस, सलमान यानी साइन. तो ये देखो पहले चरबाज बाद में सलमान, कॉस और साइन. टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू, क्योंकि पहली ब्रैकेट में बी प्लस सी बाय टू आता, सेकंड ब्रैकेट में हरदम बी माइनस सी बाय टू आता. से आपको ये देखना है कि सलमान कब आता और चरबाज कब आता. तो ये डे टू है तो पहले चरबाज आया था बाद में सलमान आया था. तो टू कॉस बी प्लस सी बाय टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाय टू. जैसे यहाँ हाफ एंगल हो गए और एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आया कि साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज, साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देयरफॉर साइन थीटा बिकम्स हाफ एंगल हो जाता है टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू. करेक्ट है. इसीलिए साइन ऑफ बी प्लस सी विल बिकम टू साइन बी प्लस सी बाय टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाय टू. अभी ये और ये कैंसिल हो गया और ये टू कैंसिल हो गए. बचा कौन? साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी प्लस सी बाय टू, इतना ही बचा. टू को डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने तो बचा साइन ऑफ बी बाय टू माइनस सी बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी बाय टू प्लस सी बाय टू. फिर 11 के फॉर्मूले अप्लाई किया अपन ने साइन ऑफ ए माइनस बी. व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो ये हो गया साइन ऑफ बी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू माइनस कॉस बी बाय टू इंटू साइन सी बाय टू. डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी. व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो साइन ऑफ बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी बाय टू प्लस कॉस ऑफ बी बाय टू इंटू साइन ऑफ सी बाय टू. यहां तक हर एक को जमने वाला है. इसके बाद जो आएगा खतरनाक स्टेप कि ऐसी सिचुएशन आ गई तो आज के बाद कुछ मत करो, डिवाइड एन आर एंड डी आर बाय कॉस ऑफ बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी बाय टू. टेक वन मिनट. ऐसी स्टेप आ गई तो क्या करना है इसके ऊपर ध्यान दो. डिवाइड एन आर एंड डी आर बाय कॉस ऑफ बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी बाय टू. डिवाइड एन आर एंड डी आर बाय कॉस ऑफ बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी बाय टू. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ बी बाय टू इंटू कॉस ऑफ सी बाय टू. इससे डिवाइड करेंगे अपन तो ये हो जाता है. हर एक स्टेप के नीचे लगा दो कॉस बी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू. तो पहली ये स्टेप रहेगी साइन बी बाय टू कॉस सी बाय टू, उसके नीचे कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू. ये कैंसिल हुआ. यहाँ कॉस बी बाय टू कॉस साइन सी बाय टू अपॉन कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू. यहाँ इसके नीचे भी लगेगा कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू, इसके नीचे भी लगेगा कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू. अब कैंसिल होके क्या क्या बचता है देखो. साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू बचता है, साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू बचता है. सेम यहाँ पे साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू प्लस साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू बचता है. व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? टैन. वेरी गुड. तो क्या हुआ? टैन ऑफ बी बाय टू माइनस टैन ऑफ सी बाय टू डिवाइडेड बाय टैन ऑफ बी बाय टू प्लस टैन ऑफ सी बाय टू विच इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड. देखो राइट साइड नहीं. ना
वी हैव अ लाइकिंग, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइकिंग्स, कुछ लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फुटबॉल अच्छा लगता है. सिमिलर वे में, आई रिपीट, सिमिलर वे में कुछ लोगों को साइन रूल अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूले अच्छे लगेंगे. तो वी शुड हैव बोथ मेथड्स इन माइंड. नाउ यहाँ बी बाई टू लिख गया, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला, हेरोंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आर एच एस लिया अपन ने, टैन बी बाई टू माइनस टैन सी बाई टू अपॉन टैन बी बाई टू प्लस टैन सी बाई टू. टैन बी बाई टू यानी साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस में ये b बाई टू है तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी, ऊपर आएगा s माइनस सी इंटू एस माइनस ए. यहाँ आएगा tan c बाई टू यानी अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी, यहाँ s माइनस सी आएगा तो यहाँ आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी. tan b बाई टू में फिर से डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कॉस, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी, ऊपर आएगा s माइनस सी इंटू एस माइनस ए प्लस रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी. एनी डाउट? क्लियर हो गया यहाँ से? ओके. अभी एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एलसीएम सेम आता है. देखो रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आने वाला. तो यहाँ पे कौन नहीं है, कौन मिसिंग है? s माइनस सी मिसिंग है. तो आपको रूट के अंदर में s माइनस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब s माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा और वो रूट के बाहर आएगा. क्या बचा फिर? रूट ऑफ s माइनस ए बचा. s माइनस सी इंटू दिस s माइनस सी बिकम्स s माइनस सी का होल स्क्वायर. रूट ऑफ s माइनस सी का होल स्क्वायर इज s माइनस सी ओनली एंड देयरफॉर s माइनस सी इंटू रूट ऑफ s माइनस ए. यहां क्या होगा देखो, ये s माइनस बी से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट के अंदर में s माइनस बी का होल स्क्वायर, जो रूट के बाहर आके s माइनस बी बचेगा और रूट के अंदर बचेगा कौन? s माइनस ए. दैट्स ऑल. सेम डिनोमिनेटर में आएगा विथ अ प्लस साइन, इसीलिए डिनोमिनेटर में भी देखो s माइनस सी इंटू रूट ऑफ s माइनस ए प्लस माइनस का प्लस s माइनस बी इंटू रूट ऑफ s माइनस ए विद द सेम साइन. यहां भी एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद यहां का डिनोमिनेटर और यहां का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाता है. अब देखो दोनों टर्म में कॉमन कुछ निकलता है क्या? क्या निकला? रूट ऑफ एस माइनस से कॉमन निकला, रूट ऑफ एस माइनस से न्यूमरेटर से कॉमन निकला. तो यहां आया एस माइनस सी माइनस इन ब्रैकेट एस माइनस बी. यहां भी रूट ऑफ एस माइनस से कॉमन निकला, यहां बचा एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, ओनली डिफरेंस इज प्लस. सो लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऊपर में जो लिखा वो केयरफुली दो तीन बार चेक करके लिखो और नीचे में सिर्फ प्लस साइन चेंज करके लिख दो. दैट्स ऑल. कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. यहाँ तो प्लस एस माइनस एस कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ माइनस बी इज बी, तो न्यूमरेटर में बचेगा बी माइनस सी. करेक्ट है? यहाँ बचेगा बी माइनस सी और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ट्वाइस एस बचेगा और माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी. फिर भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है s माइनस सी माइनस इन ब्रैकेट s माइनस बी अपॉन s माइनस सी प्लस s माइनस बी. ब्रैकेट ओपन किए s माइनस सी माइनस s प्लस बी s माइनस सी प्लस s माइनस बी. अब यहां b माइनस सी बचा, यहां ट्वाइस s हो गई है दोनों, माइनस इन ब्रैकेट b प्लस सी. इन ट्रायंगल हाउ मच इज ट्वाइस s? a प्लस b प्लस c. Correct, very good. So this becomes b minus c upon twice s n a con a plus b plus c minus in bracket b plus c. क्या हुआ cancel? b और c आपस में सब cancel हो गए, plus minus बचा कौन? b minus c upon a, which is nothing but the left hand side. This is nothing but left hand side.